वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग एक पीएसपी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है टर्बो वेबसाइट रिव्यूअर। आप लोग यहां पर कैटकॉन में अगर आते हो तो यहां पर आप लोग देख सकते हो टर्बो वेबसाइट रिव्यूअर इंडिपेंडेंट एसईओ एनालिटिक टूल। ये जो टूल है इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारा वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आप लोग इस तरह से इसको बाय करके इंस्टॉल करना नहीं जानते हो तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सेल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना सेल हुआ है, और इसका रेगुलर प्राइस है $35 और यहाँ पर एक्सटर्नल प्राइस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या क्या टूल मिल जाएगा वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, हेडिंग, गूगल प्रीव्यू, यहाँ पर मिसिंग इमेज, ऑल्टर एप्टीट्यूड, यहाँ पर कीवर्ड कॉल्ड, यहाँ पर पेस, और सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एसईओ के लिए जो जो टूल आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेमो, फ्रंट डेमो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग इसका जो डेमो है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका किस तरह से यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा जो डेमो है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट का डाटा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो मेरा जो वेबसाइट है उसका अगर मैं डाटा यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो मेरा वेबसाइट का URL मैं यहाँ पर डाल दूंगा, इसलिए मेरा वेबसाइट के URL मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर रिव्यू में क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा वेबसाइट का जो डाटा है वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वेबसाइट का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 12% कम्प्लीट हो चुका है। अगर इस स्किप देकर आप लोग वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आपको इनकम कैसे होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बैनर एड लगा सकते हो आप लोग, और यहाँ पर बहुत सारा ऐड लगा सकते हो। ऐड लगाकर आप लोग इनकम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अभी फुल लोड नहीं हुआ है, देखते कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर बैनर ऐड लगाकर इनकम कर सकते हो, बहुत सारा जगह आप लोग ये ऐड लगा सकते हो। ऐड लगाकर आप लोग इस वेबसाइट से इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वेबसाइट का स्कोर यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ओवरव्यू में अगर जाते हो तो यहाँ पर इस तरह से टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेडिंग वन, हेडिंग टू किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड बेसिकली आपका वेबसाइट का एसईओ एनालिटिक करेगा ये टूल, ठीक है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये जो स्किप है इसको। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, आपको बाय करना होगा। बाय करने के बाद इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ उस प्रोसेस के गुजरना होगा। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हमारा हम लोग जो डाउनलोड करके रखा है वो फाइल यहाँ पर है, ये जो जिप फाइल है। इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अनजिप करना है, इसलिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके में अगर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फाइल है, जिप फाइल है, वो कन्वर्ट होकर फोल्डर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और यहाँ पर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा डॉक्यूमेंट फोल्डर है, यहाँ पर डो नॉट अपलोड फोल्डर है, उसके बाद लैंग्वेज पैकेज है, और यहाँ पर अपग्रेड, और यहाँ पर अपलोड फोल्डर है। तो ये जो सारा फाइल है इसको अपलोड करना होगा आपका सर्वर में। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ये जो फोल्डर है इसको यहाँ पर कन्वर्ट करके इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इसको जिप फाइल में कन्वर्ट रखा है। तो यहाँ पर मैं ये जो फाइल है इसको मैं अपलोड कर दूंगा मेरा सर्वर में। तो आ जाते हैं हमारे सर्वर में, उसके बाद हम लोग जाते हैं फाइल मैनेजर में, ठीक है। यहाँ पर फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर हमारा डोमेन को ओपन करते हैं और इस के अंदर हम लोग ये जो फाइल है इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे अपलोड फोल्डर में। तो ये हमारा अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अपलोड होने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में गुजरना होगा और इसको इंस्टॉल करना होगा। तो देखते हैं इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा 100% अपलोड हो चुका है। इसको बैक जाते हैं, उसके बाद ये जो फाइल है इसको अनजिप करना है। तो यहाँ पर माउस रखकर यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल, और ये जो फाइल है ये हमारा यहाँ पर अनजिप हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फाइल है वो अनजिप हो चुका है। उसके बाद इसको क्लोज करना है, उसके बाद ये जो अपलोड फोल्डर है इसके अंदर जाना है, और यहाँ पर जो सारा फाइल है इसको मार्क करना है, और यहाँ पर मूव करना है हमारा मेन डोमेन में। तो यहाँ पर अपलोड को हम लोग क्लोज करते हैं और मूव फाइल में क्लिक करते हैं, तो हमारा जो सारा फाइल है वो मूव होकर हमारा मेन डोमेन में आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये जो डोमेन है इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पर गो में क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो PHP भाषण है वो सही है, वो सब कुछ यहाँ पर सही है। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस होस्ट, यहाँ पर आपको डालना है लोकल होस्ट, तो यहाँ पर लोकल होस्ट डाल देते हैं। उसके बाद आपको डाटाबेस यूज़र नेम, ये क्या आ गया, डाटाबेस यूज़र नेम, डाटाबेस पासवर्ड डालना है। तो मैं डाटाबेस और डाटाबेस यूज़र को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस बार हमारा जो डाटाबेस है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे CPL में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, यहाँ पर डाटाबेस नाम का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर MySQL डाटाबेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं MySQL डाटाबेस में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं MySQL डाटाबेस में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू डाटाबेस, तो यहाँ पर आपको जो डाटाबेस है उसका नेम देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हो, जो आपका अच्छा लगता है वही नाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरा जो वेबसाइट है उसका नेम से मैं यहाँ पर डाटाबेस का नाम रखूँगा, यहाँ पर हमारा वेबसाइट है कोडवार्ता, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यही नाम मैं यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डाटाबेस का नेम है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस नाम का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक डाटाबेस में क्लिक करता हूँ, क्रिएट डाटाबेस में, ठीक है। तो हमारा जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है वो तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमारा जो डाटाबेस का यूज़र है उसको क्रिएट करना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग SQL डाउन करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो SQL यूज़र, और यहाँ पर एडेड न्यू यूज़र। तो यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम देना होगा, तो मैं यहाँ पर कोडवार्ता यूज़र देता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, और आपका जो कॉन्फर्म पासवर्ड है वो यहाँ पर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर पासवर्ड को जेनरेट करूँगा, इसलिए यहाँ पर पासवर्ड जेनरेटर नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और ये जो पासवर्ड है इसको कॉपी करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो ये पासवर्ड नहीं रखना, तो जेनरेट यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप लोग जितने बार यहाँ पर जेनरेट करोगे उतने बार आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आपका नोटपैड ओपन करना होगा। उसके बाद आपका जो नोटपैड है उसमें आप लोगों का जो आपका जो पासवर्ड है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और इसको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव कॉपी दिस पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक टिक मार देना है। उसके बाद यूज पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट यूज़र नाम का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर गो बैक में जाते हैं। गो बैक में आने के बाद आपका जो डाटाबेस है और यूज़र है उसको कनेक्ट करना है। तो आप लोग ये कैसे करोगे, इसलिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एडेड यूज़र टू डाटाबेस, तो आपका जो डाटाबेस यूज़र है वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस, तो यहाँ पर आपको डाटाबेस सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एडेड में क्लिक कर देना है, यहाँ पर मैं एडेड में क्लिक कर देता हूँ, और हमारा जो यूज़र और डाटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑल में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मेक चेंज में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूज़र है और डाटाबेस है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपका जो नोटपैड है
उसमें इसको सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो डेटाबेस यूजर और डेटाबेस पासवर्ड तरीका, तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप लोग यहाँ पर आपका जो डेटाबेस नेम है उसको देना है। तो मेरा जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डेटाबेस नेम देता हूँ। उसके बाद डेटाबेस यूज़र, तो यहाँ पर डेटाबेस यूज़र देते हैं। उसके बाद डेटाबेस पासवर्ड, तो ये हमारा डेटाबेस पासवर्ड है। उसके बाद आपका वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपका वेबसाइट आ गया है। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस में आपका जो परचेस कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मेरा जो परचेस कोड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर हमारा परचेस कोड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक कर देता हूँ। ओके, सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो एडमिन नेम है, आपका नेम वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मेरा नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। तो मेरा ईमेल आईडी मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है। तो मैं यही पासवर्ड कॉपी करते और यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली सब कुछ सही है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स डॉट पेज में जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते और हमारा जो होम पेज है वो यहाँ पर आ चुका है और हमारा ये साइट ओपन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा साइट है, इसमें ओपन हो चुका है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर एडमिन पैनल में लॉगिन होना, तो यहाँ पर एडमिन एरिया में जाकर यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो। यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर आपका ईमेल डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड, तो यही मेरा पासवर्ड है, इसको मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर साइन इन में क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो एडमिन एरिया है उसमें हम लोग साइन इन हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसको किस तरह से सेटअप करते हैं वो जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सेटअप करना आपको दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारा जो इवनिंग वेब स्कूल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।